इश्क से ऊपर चला जाता है प्यार तो उसको इश्का बोलते हैं। इश्का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मेरे लिए, मतलब बहुत ही स्वीट सा प्रोजेक्ट है। इसमें पायल देव ने गाना गाया है, उसका सिंगल है और मैं फीचर हो रही हूँ, और मुदस्सर ने कोरियोग्राफ किया है। आप मुझे अलग ही अवतार में देखेंगे, इसमें बहुत ही डांस है और डिफरेंट पेपी नंबर है, और आई एम श्योर सारे लोगों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही क्लब नंबर है। तीन चार लुक है इसमें और डांस, अच्छा इसमें चार लुक है और सब में डांस रिहर्सल्स तो लगते ही हैं, विदाउट डांस रिहर्सल्स आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो 3 दिन का रिहर्सल्स था और मुदस्सर बहुत ही, और उसकी पूरी टीम ही बहुत ही अमेजिंग है, तो उनके साथ काम किया और 2 दिन में शूट ख़त्म हो गया। तो मेहनत तो रिहर्सल में लगता ही है। हमारा देश पर्व त्योहारों का देश है और हर महीने कुछ ना कुछ हम बड़ा ही मनाते हैं, और ख़ासकर जुलाई के बाद बहुत सारे पर्व त्यौहार हमारे देश में होते हैं, और इस बार 15 अगस्त को राखी भी आ रही है और इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी भी बात है एक तरह के तरीके से, और उस तरह उस वो भी है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो चीज़ एक ही दिन के अंदर। कभी कभी हम पूरे दिन को राखी को मनाना चाहते हैं, बहुत लोग अलग अलग जगह रहते हैं तो आते जाते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर कि हर तरीके से एक दिन में भी मनाया जा सकता है जो हम मना रहे हैं। और ईद थी कल, तो आई एम श्योर एवरीबडी इज़ इन्जॉयड इट, एंड आप सबको ईद मुबारक, और 15 अगस्त के लिए भी आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और राखी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सरप्राइज़ होना चाहिए ना राखी में, तो मुझे पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाली, लेकिन बहनों को भी डिमांड रहते हैं ना, सो आपकी मैं सोच रही, अब तुम्हारे सुनने के बाद मुझे लग रहा है एक लिस्ट बना ही देती हूँ कि क्या राखी के गिफ्ट होने चाहिए मेरे, क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, बहुत लंबा लिस्ट होगा। बट बेसिकली मैं हमेशा अपने भाई को बोलती हूँ खाना बना के खिलाओ, क्योंकि यू नो गिफ्ट तो पैसे के नाम पर तो बड़े छोटे और अलग अलग, मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर भाई खाना बना के खिलाए तो उससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता है। मुझे काम करने में बहुत ही इन्जॉयमेंट, मतलब मुझे मिलता है, मैं बहुत ही खुश रहती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ एंड आई एम इन्जॉइंग इट, वही इम्पोर्टेंट है। अलग अलग भाषाएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अच्छी कॉन्टेंट जहाँ भी होगी मैं किसी भी भाषा में काम करूँगी। और मैम बात करें बिहार की, फिलहाल उसमें वहाँ पे बाढ़ आए हुए सुन, उस आपकी भी बहुत सारे फैंस हैं उसमें, सुन के लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो हम सबको बाढ़ के लिए ऑफकोर्स हम सोशल मीडिया पे बोलते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, और मेरे जो वहाँ पे टीम काम कर रहा है उन लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, लोग हाई पोस्ट पे हैं, उनको अक्सर फ़ोन करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि क्या हालत है, क्या चल रहा है, और इवन फिनेंशियली भी जो हम लोग कर सकते हैं मेरी टीम, हम लोग वहाँ पर डोनेट करते हैं। तो मेरे 2 साल पहले मेरा भाई भी बाढ़ के क्षेत्रों में गया था, खुद खाना बना के लोगों को खिलाता था और सामान इकट्ठा करके, एंड जो मेरी 10 लोगों की 12 लोगों की टीम थी वो उस एरिया में जाके काम कर रहे थे। मेरी टीम हर साल करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है बिहार से बहुत सारी चीज़ें जो हमसे जुड़ी हैं, क्योंकि मेरा रूट्स है, और तो जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं और हमारे कनेक्शन में रहता है, और जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे भी कनेक्ट करके, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज कनेक्ट विद देम। सीरीज़ मैं एलए में कर रही हूँ एक, और यहाँ पे भी 2-3 ऑफर्स हैं, लेट्स सी कौन सी मैं करूँगी। आई थिंक आज के टाइम पे कहीं पे भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वो सारा सारा इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि फिल्म ही की जाए, बट मैं वेब सीरीज़ और जगह भी कर रही हूँ, हिंदी में भी 2 वेब सीरीज़ आई हैं, सो लेट्स सी कौन सा करें। माय वीडियो इज़ राइट हियर, इसका नाम है इश्का, पायल देव ने गाया है और बहुत ही सुंदर उसे परफॉर्म किया है मैंने, सो आप लोग देखिए इश्का, जिसे मुदस्सर ने कोरियोग्राफ किया है, और स्पॉट लैम्प पे रिलीज़ हुआ है, 9XM पे है, टीवी चैनल्स पे है, म्यूज़िक चैनल्स पे है, आप लोग इन्जॉय करिए, और प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है।